व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज मैं जिस शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ के एक गांव से हैं, जिन्होंने गांव से निकलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी अहम जगह बना ली। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नंदेली के लाल नंदकुमार पटेल जी की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नंदकुमार पटेल का जन्म 8 नवंबर 1953 को छत्तीसगढ़ के गाँव नंदेली में हुआ। उनके पिता एक किसान थे। एक कृषक परिवार से होने के कारण वे 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर सके। वे एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में शामिल हुए। फिर 1979 में रायगढ़ जनपद पंचायत के सदस्य रहे। 1990 से 2008 तक खरसा विधानसभा से 5 बार विजयी हुए। अपने जमाने में वे खरसा विधानसभा के एक लोकप्रिय विधायक रहे। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब वे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम होम मिनिस्टर थे। 2011 से 2013 तक वे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहे। दोस्तों, उन दिनों छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी नक्सलियों के विरोध में एक मुहिम चला रहे थे, सलवा जुड़ो। इसमें कांग्रेस के सभी नेता जुड़े थे। नंदकुमार पटेल भी महेंद्र कर्मा के साथ इस मुहिम को लीड कर रहे थे। 25 मई 2013 को जब वे बस्तर में महेंद्र कर्मा व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सलवा जुड़ूम का प्रचार कर रहे थे तो झीरम घाटी नामक स्थान पर 1500 नक्सलियों ने इन्हें घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें 250 कांग्रेसी कार्यकर्ता गार्ड सहित नंदकुमार पटेल भी शहीद हो गए। इस घटना से पूरा छत्तीसगढ़ हिल गया। खरसा ने अपना लाल और कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता को खो दिया। दोस्तों, अगर आपको सलवा जुड़ूम के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा।